तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम वाले अस्सलाम सलाम। मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। आप बताइए, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वाले सलाम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। जी आप कैसे हैं? सुभान अल्लाह। बहुत दिनों बाद बोले आप। जी बताइए। हकीम साहब, हमें ये जानना था, हमारी सिस्टर्स के साइनस तो है ये, तो नसापसन आपका नुस्खा भी ले रही है, कब्ज है तो आपका नमक जैतून सोडा 7 महीने हो रहे हैं लेते हुए, डिप्रेशन कब्ज वगैरह था तो वो भी ले रही है। फिर आपसे 2 महीने पहले जब बात हुई थी तो आपने उनके खुजली बहुत हो गई थी, बताया था आपको याद होगा, तो आपने काली मिर्च बताया था उसी के साथ लेने के लिए। सर ये नमक जैतून सोडा अलसी धनिया और सौंफ ले रही है उसके साथ, तो आपने उसके साथ ये काली मिर्च भी बताया था, 2 महीने से वो भी ले रही है, लेकिन उनकी खुजली में फर्क नहीं कुछ हो रहा है, और खुजलाने के बाद जो है उनके जलन बहुत होती है, मतलब जैसे तलवों में या हाथों में खुजला लेती है, उसके बाद कहती गर्मी बहुत निकलती है उसमें से, तो इसकी क्या वजह है कि क्या किसी डॉक्टर को अंग्रेजी दिखाया जाए कि ये नुस्खे से ही ठीक होगी? ठीक है। हाँ, देखिए, जो साइनस या उसकी कोई दवा है तो वो कुछ कभी कभी किसी को नुकसान देने लगती हैं, तो एंटी एलर्जिक दवाएं आती हैं, बड़ी सस्ती आती हैं, जैसे एविल है और सिट्राजीन है। कोई जब ज़्यादा खुजली हो तो एक गोली ले लें तो वो 2-4 दिन आप ठीक रहेंगे, और ये नुस्खा लेते रहें। और भी डॉक्टर की कोई दवा लेना चाहें, डॉक्टर से मशवरा लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये नुस्खा छोड़े नहीं, क्योंकि ये 6-7 महीने लगातार देना है और कभी भी इनकी खुजली समाप्त हो सकती है। थोड़ा सब्र करें और नुस्खा देते रहें, इंशाल्लाह फ़ायदे की उम्मीद रख सकते हैं। जी।